खुद को कमजोर समझना सबसे बड़ा पाप है। ब्रह्मांड की सारी शक्तियां पहले से हमारी हैं। वो हम ही हैं जो अपनी आंखों पर हाथ रख लेते हैं और फिर रोते हैं कि कितना अंधकार है। जिस तरह से विभिन्न स्रोतों से उत्पन्न धाराएं अपना जल समुद्र में मिला देती हैं, उसी प्रकार मनुष्य द्वारा चुना हर मार्ग, चाहे अच्छा हो या बुरा, भगवान तक जाता है। किसी की निंदा न करें। अगर आप मदद के लिए हाथ बढ़ा सकते हैं तो जरूर बढ़ाएं। अगर नहीं बढ़ा सकते तो अपने हाथ जोड़िए, अपने भाइयों को आशीर्वाद दीजिए और उन्हें उनके मार्ग पे जाने दीजिए। जीवन में ज्यादा रिश्ते होना जरूरी नहीं है, पर जो रिश्ते हैं उनमें जीवन होना जरूरी है। हम वो हैं जो हमें हमारी सोच ने बनाया है, इसलिए इस बात का ध्यान रखिए कि आप क्या सोचते हैं। शब्द गौण हैं, विचार रहते हैं, वे दूर तक यात्रा करते हैं। जब तक आप खुद पर विश्वास नहीं करते, तब तक आप भगवान पर विश्वास नहीं कर सकते। हम जितना ज्यादा बाहर जाएं और दूसरों का भला करें, हमारा हृदय उतना ही शुद्ध होगा और परमात्मा उसमें बसेंगे। तुम्हें अंदर से बाहर की तरफ विकसित होना है। कोई तुम्हें पढ़ा नहीं सकता, कोई तुम्हें आध्यात्मिक नहीं बना सकता। तुम्हारी आत्मा के अलावा कोई और गुरु नहीं है। दिल और दिमाग के टकराव में दिल की सुनो। किसी दिन जब आपके सामने कोई समस्या ना आए, आप सुनिश्चित हो सकते हैं कि आप गलत मार्ग पर चल रहे हैं। प्रेम विस्तार है, स्वार्थ संकुचन है। इसलिए प्रेम जीवन का सिद्धांत है। वह जो प्रेम करता है जीता है, वह जो स्वार्थी है मर रहा है। इसलिए प्रेम के लिए प्रेम करो, क्योंकि जीने का यही एकमात्र सिद्धांत है। वैसे ही जैसे कि तुम जीने के लिए सांस लेते हो, हम जो बोते हैं वो काटते हैं। हम स्वयं अपने भाग्य के विधाता हैं। हवा बह रही है, वो जहाज जिनके पाल खुले हैं इससे टकराते हैं और अपनी दिशा में आगे बढ़ते हैं, पर जिनके पाल बंधे हैं हवा को नहीं पकड़ पाते। क्या यह हवा की गलती है? हम खुद अपना भाग्य बनाते हैं। जो तुम सोचते हो वो हो जाओगे। यदि तुम खुद को कमजोर सोचते हो, तुम कमजोर हो जाओगे। अगर खुद को ताकतवर सोचते हो, तुम ताकतवर हो जाओगे। जब लोग तुम्हें गाली दें तो तुम उन्हें आशीर्वाद दो। सोचो, तुम्हारे झूठे दंभ को बाहर निकालकर वो तुम्हारी कितनी मदद कर रहे हैं। श्री रामकृष्ण कहा करते थे, जब तक मैं जीवित हूं तब तक मैं सीखता हूं। वह व्यक्ति या वह समाज जिसके पास सीखने को कुछ नहीं है, वह पहले से ही मौत के जबड़े में है। पहले हर अच्छी बात का मजाक बनता है, फिर विरोध होता है और फिर उसे स्वीकार लिया जाता है। दिन में एक बार अपने आप से बात करो, वरना तुम दुनिया के सबसे महत्वपूर्ण आदमी से बात नहीं कर पाओगे। लोग मुझ पर हंसते हैं क्योंकि मैं अलग हूं। मैं लोगों पर हंसता हूं क्योंकि वो सब एक जैसे हैं। अपने में बहुत सी कमियों के बाद भी हम अपने से प्रेम करते हैं, तो दूसरों में जरा सी कमी से हम उनसे कैसे घृणा कर सकते हैं। जब भी मुश्किलों से सामना हो, आंखों में उम्मीद कम ना हो, फतह को पा लेने का इरादा तोड़ दे, इतना किसी की बातों में दम ना हो। पैरों में जंजीर है ये मत देखा कीजिए, हाथों में खुद अपने भाग्य की रेखा कीजिए। तमाम उम्र का हासिल है ये उम्मीद का खजाना, खुद पर भरोसा रख, भरता है उम्मीद का खजाना। सब कुछ मिट सकता है, यहां कयामत के मंजर में रोशन सदा रहता है, तो बस ये उम्मीद का खजाना। कामयाबी किस सूरत में मिले क्या पता, फूल किस रंग का यहां खिले क्या पता, यूं ही नहीं ठहर गई खुशियां दामन में, किसने कितने आंचल सिले क्या पता। खुदी पर विश्वास और खुदा पर यकीन जिंदगी के हर मोड़ पर साथ देते हैं। उन्हें ही मिलते हैं फरिश्ते मैदाने जंग में, जो दोस्तों को संभलने के लिए हाथ देते हैं। यकीन पैरों पर रख और दुआ में हाथ रख, बड़ों को दिल में रख, छोटों को साथ रख, दिल को समझा लो कि मुमकिन है सब। मेरे दोस्त, तू जरा काबू में जज्बात रख। दिया जलता है तो रोशनी देता है जहान को। नाम कमाने के लिए जलना पड़ता है इंसान को, रोशनी देने के काबिल बनता है वो ही संगी साथी, जिसमें हो आत्मविश्वास का तेल और उम्मीद की बाती। भगवान ने इंसान को काबिल बनाया है, तभी तो वो हर जगह पर अव्वल आया है। खुद पर यकीन रख और चल मंजिल की ओर। कामयाबी ने खुद को तेरे लिए ही बचाया है। आत्मविश्वास से बड़ी नहीं ताकत कोई, ये हो तो अधूरी रहती नहीं हसरत कोई। किसी कीमत पर मत खोना यकीन खुद पर, इससे बढ़कर नहीं मिल सकती यहां नेमत कोई। बादल को यकीन है बरसेगा एक दिन, खेतों को यकीन है आएगी फिर से हरियाली। प्रकृति का हर कोना भरा है आत्मविश्वास से,
तू क्यों उदास है, बैठा है खाली खाली, रुक कर सांस नहीं लिया। कभी जिसने उसे कैसे तोड़ सकती है कोई भी मुसीबत, जिसकी रगों में पानी नहीं खून दौड़ता हो, कैसे गिर सकती है उसके हौसलों की छत। आत्मविश्वास ही वो भाव है जो मुश्किल से मुश्किल उलझन को आसान बना सकता है। रास्ते खुद चलेंगे मंजिल की ओर, एक बार थाम कर देखो आत्मविश्वास की डोर। दुश्मन का वार कितना भी तीखा क्यों ना हो, अगर तुम्हारे हाथ में आत्मविश्वास की ढाल है तो तुम जीत जाओगे। मिटा सका नहीं कोई उस जुनून को, खुदगर्जी ने जो दिया है खून को। कभी साहिल पर यकीन था उसे, कभी यकीन था कश्ती पर, जब तूफान आया सामने तो महज खुद की काबिलियत काम आई। जिंदा दिल होने के सबूत देते हैं हम जहान को, पूरे यकीन के साथ जब हरा देते हैं तूफान को। कभी ढलते सूरज से रोशनी मत मांगना और हार गए इंसान से सलाह मत लेना, सबसे ज्यादा नुकसान आपके आत्मविश्वास को पहुंचेगा। खुद पर यकीन हो तो दुनिया पूछती है, डरे हुए इंसान के काबू में तो खुद की धड़कने भी नहीं होती। शरीर की थकान सोने के बाद दूर हो जाती है, लेकिन मन से थका व्यक्ति सही से सो भी नहीं पाता है। इसलिए आत्मविश्वास रखें और मन को थकने न दें। दवा से ज्यादा असर करता है विश्वास, खुद में जिंदा रखें और इसे बनाएं आस पास। पढ़ने के लिए जरूरी है एकाग्रता, एकाग्रता के लिए जरूरी है ध्यान। ध्यान से ही हम इंद्रियों पर संयम रखकर एकाग्रता प्राप्त कर सकते हैं। एक विचार लो, उस विचार को अपना जीवन बना लो, उसके बारे में सोचो, उसके सपने देखो, उस विचार को जियो। अपने मस्तिष्क, मांसपेशियों, नसों, शरीर के हर हिस्से को उस विचार में डूब जाने दो और बाकी सभी विचार को किनारे रख दो। यही सफल होने का तरीका है। जिस समय जिस काम के लिए प्रतिज्ञा करो, ठीक उसी समय पर उसे करना ही चाहिए, नहीं तो लोगों का विश्वास उठ जाता है। एक समय में एक काम करो और ऐसा करते समय अपनी पूरी आत्मा उस काम में डाल दो और बाकी सब कुछ भूल जाओ। उठो और जागो और तब तक रुको नहीं जब तक कि तुम अपना लक्ष्य प्राप्त नहीं कर लेते। हमेशा खुद पर रखें विश्वास। कॉन्फिडेंस बढ़ाने के लिए सबसे जरूरी है खुद पर भरोसा करना। इसलिए किसी और की बातों पर गौर करने की जगह अपने फैसलों का सम्मान करना सीखें, क्योंकि खुद पर विश्वास न रखने की वजह से कई बार लोग कंफ्यूज और डल महसूस करने लगते। नकारात्मक विचार हो या लोग, ये दोनों ही हमारे जीवन में आए पिछड़ेपन का बड़ा कारण होते हैं। यदि आप चाहते हैं कि आपका आत्मविश्वास ऊंचा हो तो अपने पास से नकारात्मक विचारों और नकारात्मक लोगों को बिल्कुल दूर कर दीजिए। नकारात्मक विचारों से भरे हुए दिमाग में आत्मविश्वास खुद ही कम होने लगता है। हम सभी के अंदर कोई ना कोई विशेष गुण जरूर होता है, बस उसे पहचानने की जरूरत होती है। आत्मविश्वास कम होने का सबसे बड़ा कारण है कि हम अपने प्रति राय ही खराब बना लेते हैं। यदि आप भी अपने आप को किसी और से कम आंकते हैं तो इस बात से बाहर निकलिए और अपने अच्छे गुणों की पहचान कीजिए। इससे आप काफी बेहतर महसूस करेंगे और धीरे धीरे आपका आत्मविश्वास बढ़ता जाएगा। सच्चाई के लिए कुछ भी छोड़ देना चाहिए, पर किसी के लिए भी सच्चाई नहीं छोड़ना चाहिए। तुम किसी को दोष मत दो। अगर तुम अपने हाथ आगे बढ़ाकर किसी की मदद कर सकते हो तो करो, अगर नहीं कर सकते हो तो अपने हाथ बांधकर खड़े रहो। सच्चाई के लिए कुछ भी छोड़ देना चाहिए, पर किसी के लिए भी सच्चाई नहीं छोड़ना चाहिए। कभी भी यह मत सोचो कि तुम्हारे लिए, तुम्हारी आत्मा के लिए कुछ भी नामुमकिन है। अगर कोई पाप है तो वो सिर्फ और सिर्फ अपने आप को या दूसरों को कमजोर मानना है। जिस पल मुझे यह ज्ञात हो गया कि हर मानव के हृदय में भगवान है, तभी से मैं अपने सामने आने वाले हर व्यक्ति में ईश्वर की छवि देखने लगा हूं और उसी पल मैं हर बंधन से छूट गया। चाणक्य की तरह सोचो और तुम चाणक्य बन जाओगे। जिंदगी बस महसूस होने का नाम है। चुगली करना उसका काम होता है जो अपने आप को बेहतर बनाने में असमर्थ होता है। कभी भी किसी के पतन को देखकर खुश मत हो, क्योंकि तुम्हें पता नहीं है भविष्य में तुम्हारे साथ क्या होने वाला है। सूरत और सीरत, चरित्र में सबसे बड़ा फर्क यह है कि सूरत धोखा देती है जबकि सीरत पहचान करवाती है। आज का इंसान सिर्फ दौलत को खुशनसीबी समझता है और ये ही उसकी बदनसीबी है। जो दुनिया में विश्वास रखता है, दुनिया उसे धोखा देती है। महान व्यक्ति का सबसे अच्छा काम होता है माफ कर देना और भुला देना। जिसको तुमसे सच्चा प्रेम होगा वह तुमको व्यर्थ और नाजायज कामों से रोकेगा।
जिंदगी में वो ही व्यक्ति असफल होते हैं जो सोचते तो बहुत है मगर करते कुछ भी नहीं। आप अपना भविष्य नहीं बदल सकते, लेकिन आप अपनी आदतें बदल सकते हैं, और यकीन मानिए ये आदतें आपका भविष्य बदल देगी। मेहनत इतनी खामोशी से करो कि कामयाबी शोर मचा दे। जिस दिन आपके सिग्नेचर ऑन्टोग्राफ में बदल जाए, समझ लेना आप सफल हो गए हो। वो सपने सच नहीं होते जो सोते वक्त देखे जाते हैं, सपने तो वो सच होते हैं जिनके लिए आप सोना छोड़ देते हैं। भगवान के भरोसे मत बैठिए, क्या पता भगवान आपके भरोसे बैठा हो। सफलता का एक ही आधार है, सकारात्मक सोच और लगातार कोशिश। कामयाब होने के लिए अकेले ही आगे बढ़ना पड़ता है। लोग तो आपके पीछे तब आते हैं जब हम कामयाब होने लगते हैं। समस्या का नहीं, समाधान का हिस्सा बनिए। जिन्हें सपने देखना अच्छा लगता है उन्हें रातें छोटी लगती है, और जिन्हें सपने पूरा करना अच्छा लगता है उनको दिन छोटे लगते हैं। सफलता एक ऐसा चिराग है जो परिश्रम से जलता है। एक सपने के टूटकर चकनाचूर हो जाने के बाद दूसरा सपना देखने के हौसले को ही तो असली जिंदगी कहते हैं। यदि हार की कोई संभावना ही ना हो तो जीत का कोई अर्थ नहीं रह जाता। जब तक हम ये जान पाते हैं कि जिंदगी क्या है, तब तक ये आधी खत्म हो चुकी होती है। जीवन का सबसे बड़ा उपयोग इसे किसी ऐसे चीज में लगाने में है जो इसके बाद भी रहे। किसी चीज की कीमत यह है कि आप उसके बदले में अपनी कितनी जिंदगी लगाते हैं। अगर आज घनघोर अंधेरा है तो जल्द ही सुबह होने वाली है। आज सफर में कांटे हैं तो वो दिन दूर नहीं जब आपके रास्ते में फूल बिखरे मिलेंगे। बशर्ते आपको रुकना नहीं है, धीरे धीरे ही सही, लेकिन आगे बढ़ते रहना है। इस दुनिया में मौजूद हर किसी इंसान के जीवन में कुछ ना कुछ दुख है। आपको खुद के आसपास जितने भी चेहरे नजर आते हैं उन सभी को कुछ ना कुछ तकलीफ या परेशानी जरूर होगी। हर इंसान किसी ना किसी परेशानी से जूझ रहा है, लेकिन असल मायने में वही इंसान जिंदगी जीना जानता है जो अपने दुख को नजरअंदाज करके सदैव जीवन में आगे बढ़ने का हुनर रखता है। वो कभी अपने दुख का रोना नहीं रोता। हां, एक बार तकलीफ में होने पर कदम भले ही डगमगा उठे, लेकिन कदम को रुकने नहीं देना है। हालात कैसे भी हो, बस चलते रहना है। यही जिंदगी है, यही लाइफ है।